हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक एरे के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये नहीं बताऊँ कि एरे क्या होता है क्या नहीं होता है, आपका सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एरे जानते हो तो बेस्ट है, नहीं जानते तो आपको इसे पढ़ तो भी मैं समझा दूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं आपको दो चीज़ सिखाऊँगा कि एरे हमारा क्या है एंड हाउ टू यूज़ एरे इन वेब पेज। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एरे को चला तो लेते हो लेकिन आप एरे को यूज़ कैसे करना है आपको वेबसाइट में वो आपको ना पता हो, तो वो हमारे लिए बहुत बड़े एक रोल एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। चीज़ों को समझना ही नहीं चाहिए, हमें चीज़ों को यूज़ करना भी आना चाहिए। तो आज हम लोग ज़्यादा हम लोग टाइम ना लेते, हम लोग क्या समझेंगे, सिंपल से मैं आपको एरे बता के दिखाऊंगा। और उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैच करेंगे। फैच के दो काम होंगे हमारे, एक होगा हमारा वन बाय वन और एक हमारा ऑल वैल्यू फैच इन वन टाइम विद फॉर इच लूप। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका यूज़। यूज़ में हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं, हम लोग इसका जो यूज़ करेंगे, एक सेलेक्ट ऑप्शन का हम लोग ड्रॉप डाउन बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे इसमें हम लोग अपना सर्च के लिए। ठीक है दोस्तों, मीन्स अगर आप कोई रोल नंबर वगैरह डालते हो तो उसको हम लोग डेटा को किस तरह से सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी हमारी। तो एरे के फंक्शन को अगर आप यहाँ पे समझते हैं तो इन फ्यूचर में अगर आप पीएचपी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा आपकी यूज़फुल होने वाली हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो ये हमारे क्वालिटी मैंने पेज बना रखा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग सिंपल सा लिखना स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए एरे, तो एरे आई होप सब लोग जानते हैं हम लोग अपना कि एरे का हमारा मतलब होता है किसी भी तरह के डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करके और हम उसे अपना यूज़ करते हैं ताकि किसी भी चीज़ को मुझे बार बार ना लिखना पड़े। सपोज़ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ, वैसे तो टाइम मेरे को थोड़ा लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मुझे अगर अपने 10 स्टूडेंटों की कुछ इन्फॉर्मेशन बनानी थी, या 50 स्टूडेंट ले लेते हैं, 100 स्टूडेंट ले लेते हैं, चलो अपना 100 स्टूडेंट। अब हर एक स्टूडेंट की आपकी 5 इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी क्या क्या हो सकता है उसमें, आपका बंदे का नाम हो सकता है, क्लास हो सकती है, एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है और एक ईमेल भी ले लेते हैं। अब होगा क्या आपका कि अगर आपको एरे नहीं आता तो आपको क्या करने पड़ेंगे, नेम नाम के आपको 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, मतलब हर एक हेडिंग के आपको 100 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एरे बना ले तो सिंपल से क्या करना पड़ेगा, आपको नेम बराबर डाला मैंने अपना यहाँ पर, एरे पास कर दिया, इसके अंदर सारे हम लोग जितने भी नाम होंगे सब एक साथ हम लोग स्टोर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं अपनी, दैट्स माई स्क्रिप्ट, सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा मैं बहुत हैवी आईटी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज है हमारी, बिल्कुल अच्छे समझ जाओगे। देख सबसे पहले हमने क्या करना है, मान चलिए मान के चलिए डाल दिया आपका डेज, और डेज में मैंने कुछ डे प्रिंट करवाने थे। तो भैया मैं डे अगर मुझे 7 प्रिंट करवाने हैं तो मैं हर एक के लिए वेरिएबल क्यों बनाऊँ, मैं उसको एक जगह स्टोर कर लेता हूँ अपना, सिंपल सा। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो ये बन गया मेरा एक एरे, सिंपल सा। ऐसे बनाना है आपने, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को ना आप लोग ये जो भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं जो भी कर रहा है ज़्यादा इसको वैसे में ना ले, बहुत ईजी चीज़ होती है हमारे लिए। अब देखो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे क्या पास करूँ आपका डेज, सीधा प्रिंट करके देखते हैं क्या हमें रिटर्न करने वाला है आपका ये, लेट्स चेक। ये रहा हमारा, तो ये हमें क्या कर रहा है, सारे दिन एक साथ पास कर रहा है, लेकिन ये हमारे किसी भी काम के नहीं है अभी फिलहाल में आपका, कि मैं इसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। रीज़न क्या होगा मेरा अपना, कि कल को अगर मैं इसमें एल आई वगैरह भी पास करता हूँ अगर मैं इस तरह से, देखिए इस तरह से, तो क्या होगा हमारा, ये सबको ये एक साथ ही दे देगा, गलत है हमारा ये, इसको नहीं कर सकती, इसे टेस्टिंग के लिए था आपका, अब इसको रियल में यूज़ करते हैं। अब आप इसे अगर वन बाय वन यूज़ करना चाहते तो सिंपल सा आपने क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिखना है आपने डेज ज़ीरो। पता है हम सबको कि हमें जो एरे की जो वैल्यूज़ रिटर्न होती है हमें जीरो से स्टार्ट होती है हमारी, तो अब आप यहाँ पे से ऐसे यूज़ कर सकते हैं संडे। फिर आपको दूसरा चाहिए, यहाँ पे वन डाल दो अपना, आप ये मंडे आ गया। तो इसका यूज़ आपने कब करना है, कि एरे की वैल्यू को अगर आपको अपनी वेबसाइट में अलग अलग जगह पर पहुँचाना है तो उस कंडीशन में आप इसे अपना यूज़ कर सकते हो। चलिए तो मैं आपको इसको एक छोटा सा और बता ही देता हूँ यार, इसमें साथ साथ में देखो क्या करना है आपको, इसको कमेंट कर दें। देखो क्या करो, अपना बना लो वेयर सन बराबर हमारा डेज और ज़ीरो, या कि भैया अपना इसके अंदर में, या एक काम भी कर सकते हैं हम लोग अपना, कि मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ पी अलाइन, एक मुझे सेंटर में चाहिए यहाँ पे डे और एक चाहिए मुझे राइट में। ठीक है भाई, दो बना लेते हैं इसके अपना, इनको एक आईडी पास कर दूँ, शॉर्ट में काम कर रहा हूँ मैं अपना। आईडी बराबर देते हैं Z1 इसको, और इसको दे देते हैं हम लोग अपना आईडी बराबर
Z2। चलिए अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर, देखो ये डॉम का पार्ट हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर में। स्पाई आईडी हमारी है Z1। तो डॉम सब करा क्या है इसको, अगर आपको देखना है तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। अगर हमने यहाँ पास कर दिया अपना क्या Day 0, ये देखिए एक और बनाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं Days 1। तो देखते हैं Z2 से कर देते हैं हम लोग क्या मिलता है, हमें देखते हैं। तो ओहो कुछ नहीं मिला, गड़बड़ होगी ना, देखते हैं हुआ क्यों। एलिमेंट बाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, अच्छा एलिमेंट्स लगा दिया ना हमने, इसे नहीं लगाना आपको बस। ये देखिए मिल गया, एक इधर है और एक इधर है। तो इसका यूज जो 0 1 का यूज़ आपने करना है अलग अलग। अब बात करते हैं अगर इन सबको मुझे एक साथ यूज़ करना था तो कैसे करना है, आपने सिंपल सा आप लिखे यहाँ पे 4। सबसे पहले इसको डालिए की, तो की फॉर इच का हमारा एक सिंटैक्स होता है, आप किसी भी नाम से बनाइए। इन यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक मिलेगा इन एक मिलेगा ऑफ। इन मतलब होता है उसकी इंडेक्सिंग रिटर्न करेगा और ऑफ मतलब होगा उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इन और हमारे एरे का नाम। अब हमें सिंपल सा क्या पास करना होगा यहाँ पर, देखिए अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपका क्या li के अंदर में आपका abc, देखिए अपना तो हमें क्या मिलने वाला है आपका यहाँ पर, कुछ ये नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इनका मैंने मतलब आपको बताया क्या इंडेक्सिंग रिटर्न करेगा आपका। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं अपना, इसको हम लोग ऑफ लिख दो बस अपना, ये देखो ठीक है भाई। तो इस तरह से आप इसका अपना यूज़ कर सकते हो कि कहीं पर अगर आपको मल्टीपल चीज़ें आपको शो अप करनी है तो वहाँ पर आप इसे अपना दिखा सकते हो। और अब हम लोग इसका थोड़ा सा यूज़ करके देख ले जरा ड्रॉप डाउन बना के, ये तो कोई आपका नॉर्मल एरे आपका। अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है आपको वो समझ लो अपना भाई। तो मान चलिए मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना था अपना डेज के लिए अपना, तो हम लोगों ने क्या करा सबसे पहले ऊपर काम कर लेते हैं इसे अपना, क्या लिखूँ, सेलेक्ट बना लें सेलेक्ट ऑप्शन, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं लाइव बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उस टाइम ना। हमने डाल दिया चूज डेज। अब क्या करना है मुझे, जितने भी सारे डेज चाहिए मुझे अपने एरे के अंदर पास करने हैं, तो कुछ मत करो बस यहाँ पे लिख दो अपना आप ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ABC रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं अपना ऑप्शन। ये देखिए तो ये हमारा सारे डेज इसके अंदर में आपके आ गए। तो ये मेरा बन गया क्या डायनेमिक सेलेक्ट ऑप्शन। एक काम और करते हैं, इसको यहाँ से हम लोग उठाते हैं और इसको मैं डालता हूँ एक नए पेज में। ये देखिए अपना यहाँ पे डाल दो अपना days.js। इसे एक्सेल के कॉल करा के देखते हैं ना कैसा काम करता है हमारा, मज़ा आएगा। अब देखो इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे स्क्रिप्ट SRC बराबर days.js। बस इसे इतना छोड़ दो और कुछ मत करो अपना, बस ख़त्म कहानी, बाकी तब आपको मिल ही जाना है। देखो अब आपको कुछ और बढ़ाना है यहाँ पर, आप बढ़ाओ अपना आराम से, कुछ कोर्सेज हैं कुछ और चीज़ अगर आपने बढ़ानी है यहाँ पर भाई ABC XYZ जो बढ़ाना है बढ़ाइए, अच्छे से रिफ्रेश करिए, वो डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डायनेमिक ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके में आपकी फ़ाइल अलग सेव होगी और वहाँ से अपना आप डेटा को जैसे ही उसमें एरे में डालेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट, मतलब आपको रिफ्रेश करने पर अपडेट होता रहेगा। तो एक काम और करूं जरा थोड़ा सा मैं, ये बन गई मेरी 8 मिनट की वीडियो सर्चिंग वाला ना, मैं दूसरे पार्ट में बनाता हूँ वरना वीडियो हमारी लंबी खिंचेगी ज़्यादा। तब तक मैं बनाता हूँ अगले वीडियो में, और इसी के बाद हम लोग बनाएंगे इसमें सर्चिंग वाला पार्ट।